दुर्गेश क्लास में आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जानते हैं झारखंड JSSC का अपडेट। झारखंड कर्मचारी सैन्य आयोग संयुक्त स्नातक व शिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 आवश्यक सूचना प्रमाण पत्रों की जाँच का कार्यक्रम। संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2016 की मुख्य परीक्षा के आधार पर अतिरिक्त अल्प सूचीबद्ध निम्नलिखित अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच आयोग कार्यालय काली नगर चाय बागान नामकोम रांची में दिनांक 6/6/2019 को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार एक पाली में अपराह्न 2:30 बजे से 5 बजे तक होगी। अभ्यर्थी जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले जांच स्थल पर निश्चित रूप से पहुंच जाएं। डिस्ट्रिक्ट है पलामू, सब्जेक्ट है हिंदी। जो कैंडिडेट का यहां पर रोल नंबर दिया गया है, जो टोटल 3 कैंडिडेट हैं। और नीचे देखें दिनांक 27/5/2019 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 2:30 बजे तक अतिरिक्त अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जांच किया गया, जिसमें कतिपय अतिरिक्त अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। उक्त अनुपस्थिति अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्रों का सत्यापन हेतु आयोग कार्यालय में दिनांक 6/6/2019 को अपराह्न 2:30 बजे से अपराह्न 5 बजे तक किया जाएगा। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु होने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। इसमें अनुपस्थित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता स्वतः रद्द समझी जाएगी। यदि आप समय पे नहीं पहुंचते हैं तो आपकी जो अभ्यर्थिता है वह स्वतः ही रद्द हो जाएगा। यहाँ तीसरा पॉइंट देखें, अभ्यर्थी जांच हेतु उपयुक्त परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र तथा निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एक एक स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति के साथ तथा हाल में खींचा गया 2 पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर उपस्थित होंगे। जांच हेतु वांछित प्रमाण पत्रों की सूची जो नीचे अंकित है, जैसे मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, ये आप देख सकते हैं जो भी है नीचे, आपको ये डॉक्यूमेंट आपको साथ ले जाने होंगे तो आप देख सकते हैं। और देखते हैं नोट में उन्होंने क्या लिखा है। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में जिस प्रमाण पत्र की संख्या एवं निर्गत तिथि तथा आरक्षण कोटि का दावा किया गया है, उस प्रमाण पत्र उस कोटि के भिन्न जाति का प्रमाण पत्र तथा उपयुक्त विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्रों को प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होंगे। अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जाँच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं है। आयोग आवश्यकता अनुसार रिक्ति के परिप्रेक्ष्य में इस सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आमंत्रित कर सकता है। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।